सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ज्यादा ही हॉट, क्योंकि टाटा नेक्सॉन ने इंट्रोड्यूस कर दिया भाई साहब अपना फेसलिफ्ट, जो कि मार्केट को बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सो गाइस, हाल ही में कंपनी का कुछ स्पाइस शॉट वायरल हो रहे हैं। स्पाइस शॉट जो वायरल हो रहे हैं भाई, उसके बाद हम लोग इस फेस वाले टाटा नेक्सॉन को मिस करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी फेस अपग्रेड होने वाला है। उसमें कुछ कॉस्मेटिक न्यू फीचर्स ऐड होने वाले हैं, क्योंकि आज जो कंपनी, अभी जो ट्रेंड चल रहा है आप देख सकते हो, सारे कंपनी ने जो इसके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, वो आप ब्रेजा ले लो या फिर वेन्यू ले लो, सारे के सारे अपग्रेड आ चुके हैं। सब में अच्छे खासे अपग्रेड आए हैं, खासकर नया वेन्यू एज कंपेरिजन टू ओल्ड वन। जो ब्रांड न्यू है बहुत ज़्यादा अपेलिंग और अच्छा दिखता है, तो ये भी अच्छा दिखेगा। तो अभी आप स्क्रीन के पास कुछ देख सकते हो, स्पाइस शॉट्स वगैरह जो पूरी तरीके से कैमोफ्लेज में कवर्ड है भाई साहब, व्हील तक नहीं छोड़े भाई ने, पूरी तरीके से कवर्ड है। आने वाला अपकमिंग टाटा नेक्सॉन होगा, उसमें एक नया इंजन भी इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने, जो कि पुराने जो मेरे पास जो इंजन है वो 1.2 लीटर टर्बो चार्ज है। सेम इंजन इंट्रोड्यूस करेगा विथ पावर पंच करके, क्योंकि इसमें मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, 118 bhp का पावर ये जनरेट करती है, बट जो ब्रांड न्यू आने वाली है वो ऑलमोस्ट 125 के आसपास पावर जनरेट करेगी। सो मैं बात कर रहा था इंजन का, तो कंपनी अपने हाउस से एक नया इंजन प्रोड्यूस करने वाली है, जो मेरा बता चुका 125 bhp के साथ जो नए कार में आएगा। बाय द वे, गाड़ी आने की संभावना फेस्टिवल ऑफर के आसपास है, तो मेक श्योर जो गाड़ी लेने वाले हैं थोड़ा सा सबर कर लिया, अगर उनके अंदर कंट्रोल है सबर कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत जल्दी आने वाली है। एक बात, तभी टाटा नेक्सॉन जो है वो पूरा तरीके से कैमोफ्लेज में देखा, मैंने आपने भी देखा, हमने भी देखा, पर वीडियोस में कवर्ड है, बट उसका जो हेडलाइट वगैरह है वो साफ साफ दिख रहा है कि स्प्लिट है। फॉर एग्जांपल, टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर और टाटा के जो पंच आती है उस तरह का स्प्लिट हेडलाइट दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर में DRL है जिसमें इंडिकेटर काम करेगा, और नीचे में दिया हुआ हाउसिंग दिया हुआ है जहां पर आपका लाइट वगैरह। सो हमारा सबका कहना भी और हमारा भी यही मानना है कि जो हमारे टाटा ने जो ऑटो एक्सपो में शो किया था एज अ कर्व कॉन्सेप्ट, तो उसी से मिलता जुलता कुछ डिजाइन होने वाला ब्रांड न्यू टाटा का। उसी से भी टाटा ने अगर कर्व के साथ इसको हल्का सा ही मेलजोल बना करके अगर इंट्रोड्यूस कर दिया ना टाटा नेक्सॉन को, भाई साहब मार्केट में तबाही मचा देगी तबाही, क्योंकि मार्केट में टाटा नेक्सॉन ऑलरेडी है और इसमें लीडिंग स्टार रह चुकी है, रह रही है, सबसे ज्यादा सेल है और किंग ऑफ द SUV सेगमेंट, मिड साइज SUV का किंग रह चुकी है और अभी भी है, और इसका भाई हर मंथ का सेल 10,000-8,000 का प्लस ही जाता है। तो सोच रहे अगर उस वे में देखा जाए, अगर कर्व इंट्रोड्यूस गलती से भी हो गया, भाई साहब पागल कर देगी पूरा। तो भाई फेस्टिवल ऑफर का हम भी इंतजार कर रहे हैं, और जितना जल्दी आएगा वो ज्यादा मजेदार रहेगा। बाय द वे, इस पे पूरी तरीके से नए अपडेट्स आने वाले हैं, जो भी व्हाइट पट्टी जो डाला हुआ है टाटा नेक्सॉन सब हट जाएंगे, न्यू हेडलाइट, न्यू बैकलाइट और सारे मतलब क्या बोलते हैं इन टू इन अटैच रहेंगे, और न्यू कंसोल, मीटर वोटर सब कुछ चेंज होने वाला है। मेरे ख्याल से तो कॉस्मेटिक चेंज अगर होता तो इतना ज्यादा टाटा नेक्सॉन फुल ऑन कवर्ड नहीं होता, व्हील तक कवर्ड है, आप देख सकते हो फोटोज वगैरह में, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि भाई कितना ज्यादा उसमें चेंजेस किया गया है। फुल ऑन टॉप टू बॉटम पूरी तरीके से कवर्ड है, यहाँ तक कि कुछ वीडियोस में फोटोज में धुंधले आ रहे थे, अंदर इंटीरियर से फोटो खींचे गए थे बट इंटीरियर की फोटो साफ सुथरे नहीं आ रहे थे, तो सोच रहे इंटीरियर तक को भी आदमी कवर कर रखा हुआ है, तो क्या आतंक तरीके से अपग्रेड किया हुआ है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड आई होप गाइस आपको कुछ नॉलेजेबल काम। अरे यार क्या चाचा, कैसे ड्राइव करते हो आप लोग भी। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड आई होप कि कुछ भी अपडेट आता है टाटा नेक्सॉन से रिलेटेड मैं आपको जरूर दूंगा। सो अगर हमारी वीडियो देखने में आपको अच्छी लग रही हो तो क्या करना, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं इस तरह कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।